देश में कोरोना ने तोड़े दुनिया के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 3,15,000 के करीब नए केसेस आए सामने। 2,104 लोगों की मौत हुई। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 केस आए थे। कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को 4 बिंदुओं पर नोटिस जारी किया। ऑक्सीजन की कमी, दवाई की आपूर्ति, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पर मांगा जवाब। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट का निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करे केंद्र। दिल्ली सरकार ने कहा कोटा बढ़ाने के बाद भी दिल्ली को मिल रही है सिर्फ 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 34,379 नए मरीजों की पुष्टि। इसके साथ ही एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,810 पहुंचा। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत पर पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। बोकारो स्टील प्लांट से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी से आगे पहुंच चुकी है। तेज गति के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई तेज करने के लिए कहा। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली गाड़ियों को कहीं भी ना रोका जाए। उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई पर अगले आदेश तक पाबंदी। हरियाणा में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए खट्टर सरकार का फैसला। सभी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी। लॉकडाउन लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। आईसीएमआर की रिसर्च में कोवैक्सीन पर बड़ा दावा। कहा कोवैक्सीन कोरोना के ज्यादातर वेरिएंट पर असरदार। कोवैक्सीन से डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी खत्म हो जाता है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए। कोरोना के खिलाफ 78% तक असरदार है कोवैक्सीन। गंभीर मामलों में 100% तक प्रभावी। गोवा में कोरोना पर कंट्रोल के लिए 10 दिन के नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। असम के सिलचर एयरपोर्ट पर 300 यात्रियों ने कोविड टेस्ट कराने के नियमों को तोड़ा और बिना टेस्ट कराए उड़ान भरी। यात्रियों को ट्रेस करने और उन पर FIR दर्ज करने का आदेश जारी। बंगाल में छठे चरण में आज 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान जारी। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइन, बांटे जा रहे हैं मास्क, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। छठे चरण में बीजेपी के मुकुल रॉय, टीएमसी के ज्योति प्रिय मल्लिक और चंद्रमा भट्टाचार्य जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। सीपीएम के तन्मय भट्टाचार्य, टीएमसी के राज चक्रवर्ती और कौसानी मुखर्जी समेत 306 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। बंगाल में मतदान के दिन भी जारी है हिंसा का दौर। उत्तरी दिनाजपुर से सामने आई फायरिंग की घटना। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।